ग्वालियर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने अपने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले भारत सिंह कुशवाहा ने हनुमान मंदिर में पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, साथ ही जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर लोकसभा से प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के साथ सिंधिया की मौजूदगी उनका फॉर्म भरने आए। फॉर्म भरने के साथ ही अब चुनाव की शंखनाद हो रहा है। सीएम का कहना है कि ग्वालियर लोकसभा के साथ ही प्रदेश की सभी 29 सीट जीत रहे हैं। देश में मजबूती के साथ एक बार फिर मोदी सरकार आ रही है। आज ग्वालियर में हम नामांकन भरने आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का देश भर में माहौल बना हुआ है। कल ही माननीय मोदी जी पिपरिया में आए थे, ऐतिहासिक सभा हुई, पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका, पूरा देश मोदीमय हो चुका है। ऐसे में हमारे अपने यहाँ के प्रत्याशी के साथ श्रीमान सिंधिया जी भी मौजूद है, हमारे श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद है, हम सब मिलकर के आज फॉर्म भराने के लिए आए हैं। आज से वास्तव में चुनाव का हमारा विधिवत फॉर्म भरने के बाद का चुनाव का शंखनाद होगा और जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है निश्चित रूप से पूरा प्रदेश 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं और प्रदेश में ऐतिहासिक वोट से भाजपा जीतेगी। आज निश्चित रूप से सभी हमारा नेतृत्व माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय हमारे सांसद जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, इनकी उपस्थिति में आज नामांकन भरा है। आज नामांकन भरने के पहले पूजा अर्चना भी की, ईश्वर से प्रार्थना मांगी है, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री जी पर और मेरे ऊपर बना रहे।